खबर सतना जिले से है, जहां अवैध खनन रोकने गई पुलिस और राजस्व की टीम पर खनन माफियों ने हमला कर दिया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने कांस्टेबल की चप्पल से पिटाई की। हमलावर लाठी, कुद्दल और कुल्हाड़ी लेकर आए और टीम को घेर लिया। इसके बाद जब्त जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली छुड़ा कर ले गए। घटना चित्रकूट के पथरा में सोमवार रात 11 बजे की है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। पुलिस को खनिज चोरी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तहसीलदार सुमित गुज्जर और थाना प्रभारी एचएल मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। कार्रवाई करते हुए उन्होंने मशीन, ट्रैक्टर, ट्रॉली जब्त कर लिए थे। खनन कर रहे लोगों ने चित्रकूट नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल सूचना देकर वहां बुलाया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने अफसरों से की अभद्रता। सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष साधना भी साथियों के साथ पथरा पहुंच गई। अध्यक्ष ने वहां मौजूद तहसीलदार और थाना प्रभारी के साथ अभद्रता की। गाली गलौज करते हुए साधना कांस्टेबल श्यामलाल कोरी को चप्पल से मारने लगी। अधिकारी अध्यक्ष को समझाइश दे रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने लाठी, कुद्दल, कुल्हाड़ी और बेत ले आए और प्रशासन को घेर लिया था। तहसीलदार सुमित गुज्जर ने बताया कि रात में पथरा में अवैध खनन की शिकायत पर वे थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ मौके पर गए थे। जेसीबी डंपर जब्त किए थे। तभी नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल पहुंची और खनन कर रहे लोगों का फेवर करते हुए विवाद करने लगी। उन्हें समझाया गया लेकिन वे नहीं मानी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने पुलिस कर्मी को चप्पल से भी मारा। तब तक तमाम आरोपी कुद्दल, लाठी सहित अन्य हथियार लेकर खड़े हो गए और जब्त गाड़ियां और मशीन लेकर चले गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष साधना के भाई आदित्य पटेल, छोटू पटेल, अजय पटेल, बलराम रैदास, आशीष और परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार, ड्राइवर एवं अन्य करीबी लोग अवैध खनन कर रहे हैं। आदित्य अपनी बहन की धौंस जमा कर अवैध कामों की डीलिंग और मॉनिटरिंग करता है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो है आरोपी गण है साधना पटेल, छोटू पटेल, आदित्य पटेल, बलराम रैदास, अजय पटेल, आशीष जो 7-8 अन्य लोगों के विरुद्ध हमने जो है मामला दर्ज किया है और इसमें मामले में अग्रिम विवेचना जारी।